लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे सम सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड जितने भी सम से सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में इस इंटीग्रेशन चैप्टर पे ओनली 1 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हैं। तो चलो आज इस इंटीग्रेशन चैप्टर को 11th का जो है वो फिनिश करते। बट आप लोगों को बता दूँ, ये पूरा बेसिक है इंटीग्रेशन का जो 11th में है। पहले 11th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं होता था, सीधे 12th स्टैंडर्ड में आता था। पिछले कुछ सालों पहले जब सिलेबस चेंज किया गया, तो 12th स्टैंडर्ड में जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन था, उसका कुछ पार्ट जो है 11th स्टैंडर्ड में डाल दिया गया, ताकि 11th में ही बच्चे इससे वाकिफ हो जाएं। तो अब यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में हमको इंटीग्रेशन का ओनली 1 एक्सरसाइज है, ये बेसिक्स है। और 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन के ऊपर 3 चैप्टर्स मिलने वाले हैं, जो कि है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वो 12th में है, इसलिए आपको बेसिक जो ये चैप्टर है ये बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें मैंने इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूले दिए, वो फॉर्मूले याद करना चाहिए। और बीच बीच में मैं कुछ अलग अलग ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसे आपको याद रखना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ई रेज टू 5x प्लस 1 प्लस ई रेज टू माइनस 5x प्लस 1। इसको जैसे आप डेरिवेटिव में जो भी फंक्शन होता है उसको हम y लिखते हैं, जिसका डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन में आप i लिख सकते हैं इस तरह से। हमेशा याद रखो, जब भी इंटीग्रेशन आप करते, तो लास्ट लेक्चर में मैं ये नहीं बता पाया था, अभी याद रखो कि i लिखते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन है, आप जब भी इंटीग्रेट करोगे उसके पहले आप i लिख दो। अब आपको बताया कि दो फंक्शन है, दोनों एक्सपोनेंशियल है, बीच में प्लस या माइनस होगा, तो हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करना नहीं अलग से या एक्सपांड करना नहीं। जैसे कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू 5x प्लस 1 और ये dx भी आएगा। आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन जो है इसके साथ हमेशा dx होना जरूरी है, देन प्लस। अब ये इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस 5x प्लस 1 और dx। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटीग्रेशन है वो दोनों भी फंक्शन के साथ गया और ये dx भी दोनों के पास गया। अब ये टाइप है ई रेज टू x, तो कुछ बेसिक यहाँ देख लेते हैं। ई रेज टू एक्स एक ऐसा एक्सपोनेंशियल टर्म होता है या फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव भी ई रेज टू एक्स होता है और उसका इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स होता है। इसमें डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन सीखते समय एक फंक्शन इस तरह से होता है, जैसे ई रेज टू 5x, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कैसे करूं? जैसा आप करते हैं वैसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ई रेज टू 5x का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू 5x, बिकॉज आपने सीखा है कि ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, वैसे ई रेज टू 5x का डेरिवेटिव ई रेज टू 5x होगा, लेकिन यहाँ पर x के बदले 5x है, तो इसे हम चेन रूल कहेंगे। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि x की जगह पर जो भी है उसका वापस डेरिवेटिव लो, 5x का वापस डेरिवेटिव लो, वो आता है 5। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें चेन रूल होता है, अगर x के बदले दूसरा कुछ वैल्यू है तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेम थिंग विद इंटीग्रेशन, ये तो डेरिवेटिव हो गया जब आप डेरिवेटिव करते हैं, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स के बदले ई रेज टू 5x है, तो इंटीग्रेशन करते समय आपको क्या करना है, ई रेज टू 5x का इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, लेकिन x के बदले तो यहाँ 5x था, तो आपको ये करना होगा कि यहाँ उसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इंटीग्रेशन करते समय आपको क्या करना है कि जो 5x का डेरिवेटिव 5 है उससे डिवाइड करना है। तो ये दो बातें याद रखनी है कि जब भी आप कोई डेरिवेटिव लेते हैं, चेन रूल है, x के बदले दूसरा कुछ है, तो अगेन डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते हैं और अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसी से डिवाइड करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ई रेज टू ये पूरा x टाइप है, तो इसका इंटीग्रेशन वही आएगा, ई रेज टू 5x प्लस 1 का इंटीग्रेशन वही आएगा, बट जैसे मैंने बताया ये जो ऊपर 5x प्लस 1 है इसका अगेन डेरिवेटिव लेके आपको डिवाइड करना है। 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 5x का डेरिवेटिव 5 एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, यानी हमें 5 से डिवाइड करना है। प्लस यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ई रेज टू माइनस 5x प्लस 1 है, उसका डेरिवेटिव वही आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इसके डेरिवेटिव से, माइनस 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 5 और माइनस 5 से हमने डिवाइड किया, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। और हमेशा की तरह जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपको प्लस सी इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का। इसको और सॉल्व अगर करना है
तो आपको ये माइनस और प्लस मिला के माइनस कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, तो आंसर ये हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहिए, या तो यहाँ माइनस प्लस माइनस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है, बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2dx अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 3। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग रैशनलाइज मेथड यूज करेंगे। तो वो क्या मेथड था, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू जो 2 नंबर है वो बाहर ले लो, 2 इंटीग्रेशन के अपॉन के नीचे आप देखोगे रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 है। यहाँ क्या करना है, ऊपर कुछ नहीं है, ओनली dx, dx को मैं साइड में लेने वाला हूँ यहाँ पर इस तरह से। इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या होगा, जो माइनस है माइनस को प्लस कर दोगे तो कॉन्जुगेट होता है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3। उससे नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3। ये हो गया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में था माइनस, उसको प्लस किया तो कॉन्जुगेट आया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ये रैशनलाइजेशन मेथड था, आपने लिमिट में भी सीखा है। कैसे करना है देखो, आगे 2 बाहर है कॉन्स्टेंट है, ऊपर जो है वो वैसे ही रह जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3। नीचे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर। अब रूट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट के एक्स आ जाएगा, माइनस रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा डी एक्स है। अब देखो आगे किस तरह से सॉल्व करना है, 2 बाहर रखेंगे ऐसे ही, इंटीग्रेशन और डी एक्स तब तक यूज करते जाएंगे जब तक कि हमारा सिंप्लीफाई ना हो जाए और जब तक हम फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। एक बार हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन और डी एक्स जो है ये हट जाएगा। अब इस एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेश 2/2 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 रेश 2/2, और नीचे यहाँ एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू 2, ये माइनस 3 अपॉन में है, उसको भी बाहर लेते तो अपॉन माइनस 3, माइनस को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अब क्या होगा देखो, ये इंटीग्रेशन और dx इन दोनों के पास लेके जाओ, ब्रैकेट कर दे, इंटीग्रेशन गया इसके पास x रेस टू 2/2 dx प्लस इंटीग्रेशन गया इसके पास x प्लस 3 रेस टू 2/2 dx। सो इस तरह से आगे करेंगे, i इज इक्वल टू माइनस 2/3 एक्स रेस टू 2/2 इंटीग्रेशन। अब आप क्या करने वाले, देखो x रेस टू n इंटीग्रेशन आपको याद है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसी तरह से x रेस टू 2/2 है तो एक्स रेस टू 2/2 प्लस 1 एंड 2/2 प्लस 1। सेम वे से यहाँ x प्लस 3 है, इसका बार 2/2 है तो 2/2 प्लस 1 एंड अपॉन 2/2 प्लस 1। तो ये अभी आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन और dx हटा दोगे और एक प्लस यानी कॉन्स्टेंट हमेशा आएगा। अब इसको यहाँ पर करते हैं, i इज इक्वल टू बाहर है माइनस 2/3 और यहाँ जो x रेस टू 2/2 प्लस 1 है ये हो जाएगा 3/2 x रेस टू 3/2। इसे याद रखो कि 2/2 और 1 को जब भी प्लस करते हैं तो 3/2 आता है, नीचे भी 2/2 और 1 है 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से आता है प्लस। यहाँ भी देखोगे x प्लस 3 रेस टू 3/2 एंड नीचे भी 3/2 एंड प्लस सी आपको हमेशा लिखना है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि i इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2/3 ऑलरेडी है, दोनों के नीचे 3/2 है, वो बाहर ले लेंगे कॉमन तो अपॉन में 3/2 आएगा, उसको उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और यहाँ बच गया x रेस टू 3/2 प्लस x प्लस 3 रेस टू 3/2 एंड प्लस सी। नेक्स्ट आगे करेंगे, i इज इक्वल टू माइनस 2/2 माइनस 4 अपॉन 3/3 9 और आंसर हमारा आ चुका है ये सेम, इसको और भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन लेना है। आप क्या करोगे, अगर ये क्वेश्चन सेवेंथ में अगर रूट में है तो आपको माइनस है तो प्लस लेके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो माइनस लेके, और जो स्टेप्स मैंने बताया इस तरह से करना है और सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, 8th क्वेश्चन अभी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये त्रिकोणीय फंक्शंस आपको दिख रहे हैं साइन 4x इंटू कॉस 3x। इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमितिक फंक्शंस के जो फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। अब जैसे कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी ये जो होता है, अगर इसके पहले 2 आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
तो ये एक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन चैप्टर जो आपने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में उसका फॉर्मूला ये, 2 × sin × cos है, तो हम क्या करेंगे, दो बार साइन आएगा, पहले ब्रैकेट में साइन के साथ दोनों ए और बी को प्लस करेंगे और दूसरे साइन के साथ जो हम माइनस करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से अगर कॉस पहले और साइन बाद में आता है, 2 cos A साइन बी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस आ जाता है। फिर दोनों किस तरह से, आपने 4 फॉर्मूले याद किए, फिलहाल जो हमको यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप जाकर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को याद कर लो जिससे और आगे के भी क्वेश्चन आपको आ जाए। अब ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 साथ में आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 sin 4x × cos 3x and dx, बट ये 2 जब खुद से लाते हैं तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ मैं 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये जो आई है, एज पर दिस फॉर्मूला दिस विल चेंज, क्या हो जाएगा देखो, हाफ, अब ये इंटीग्रेशन 2 sin A × cos B, ये फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में A + B, यानी दोनों एंगल को प्लस करना, 4x + 3x, देन प्लस साइन A - B, दोनों को माइनस करना, 4x - 3x, एंड यहाँ पर dx है, ये हो गया। अब जो हाफ है वो बाहर ही रखो, अब इंटीग्रेशन और dx दोनों के पास जाएंगे, तो इंटीग्रेशन इसके पास गया, इंटीग्रेशन साइन दिस इज 7x एंड dx भी इसके पास आया, प्लस अब ये इंटीग्रेशन जो है इसके पास जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 4x - 3x इज 1x एंड dx। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है, फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x विल बी, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 7x, लेकिन इसका आंसर cos आ रहा है, c से स्टार्ट है, तो ये माइनस आएगा, एंड यहाँ पर x के बदले 7x है। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था, अगर x के बदले दूसरा कुछ हो तो जैसे आप इंटीग्रेशन लेते हैं वैसे ही लेना, बट x की जगह पर जो भी है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है चेन रूल से, और 7x का डेरिवेटिव 7 आएगा, उससे हमें इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है और डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्लस यहाँ पर साइन एक्स है, तो ऑलरेडी साइन एक्स ही है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, ये आ चुका है, एंड हमेशा प्लस सी लेते हैं इंटीग्रेशन के बाद। अब ये हाफ दोनों के लिए, देन नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x, 2 × 7 = 14 एंड प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर बाहर 2 था, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस सी। सो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखोगे साइन इंटू कॉस है, ऐसे ही अगर कॉस इंटू साइन आया तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर दोनों कॉस आ रहे हैं तो यहाँ भी दोनों कॉस आएंगे प्लस के साथ, यहाँ दोनों साइन है तो यहाँ पर दोनों कॉस आएंगे माइनस के साथ। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले याद होना जरूरी है, बिकॉज इसके बाद जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन आप देखेंगे क्या क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है टेक्स्ट बुक में, वो है cos 2x and cos 4x, इंटीग्रेशन cos 2x into cos 4x dx। अब ये देखोगे तो दोनों भी cos है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है 2 एडजस्ट करोगे, हाफ एंड 2 cos 2x into cos 4x dx। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों भी cos है तो 2 cos A cos B, इसका फॉर्मूला होता है, दोनों cos है तो हम दोनों में cos लेते हैं और प्लस cos एंड यहाँ पर A + B and A - B लेते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होके भी आता है तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सारे के सारे स्टेप्स ऐसे ही है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको 8 समझ में आ गया तो आप 9th भी खुद से कर लेंगे, और मैं चाहूँगा कि ये 9th क्वेश्चन अभी आप 8 करने के बाद खुद से करें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, i = sin²x, वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के पावर हो तो उसे आप कन्वर्ट करो डायरेक्ट। देखो इंटीग्रेशन में x^n अगर होगा तो हमारे पास फॉर्मूला x^n+1/n+1, बट अगर ट्रिगो है और उसका पावर है, x के बदले कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आप डायरेक्ट ऐसे मत करो। आप क्या करो, इसको सॉल्व करो और इसका ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करो कि जो साइन स्क्वायर में पावर 2 है वो हट जाए। इसके लिए आपको एक पता है cos 2x का फॉर्मूला, जिसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन से रिलेटेड फॉर्मूला ये 1 - 2 sin²x, अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें
तो मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस टू एक्स से। कैसे? देखो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इधर आया, सो टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, कॉस टू एक्स वहाँ गया तो माइनस कॉस टू एक्स, एंड ये जो टू इंटू है वो इस तरफ गया तो डिवाइड। तो ये होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर होगा तो आप कॉस टू एक्स का ये फॉर्मूला यूज करो, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। फिलहाल साइन स्क्वायर एक्स है इसलिए हमने कॉस टू एक्स का साइन से रिलेटेड फॉर्मूला यूज किया। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको चेंज कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम लिखने वाले वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू ऑन डी एक्स। अब होगा क्या, अपॉन टू नंबर है, अब बाहर ले लो, इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू हाफ, अब ये इंटीग्रेशन और डी एक्स सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। यहां पर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन, कभी भी याद रखो वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स आएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स। अब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस साइन, बट यहां तो कॉस एक्स होना चाहिए था, टू एक्स है तो आप कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स लिखो। लेकिन आपको मैंने चेन रूल बताया कि अगर एक्स की जगह पर दूसरा कोई आए, टू एक्स आ गया, तो टू एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो टू होता है, उससे हमें डिवाइड करना है, एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया इसलिए प्लस सी। और एक स्टेप करते हाफ, इस हाफ का मल्टीप्लाई दोनों में करो, हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू दिस, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर, साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी। यहाँ पर हाफ इंटू एक्स, तो ये एक्स और वन मल्टीप्लाई होके एक्स बाई टू आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर एक्स भी आया चेंज होके, तो आपको कॉस टू एक्स का रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है, पार हटाना है और इसी तरह से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसमें एक ही एक्सरसाइज है क्लास 11th में, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और ये पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर में करेंगे। बहुत ही वास्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन 12th में, अगर आपको ये बेसिक समझ में आया होगा तो 12th का भी बेसिक समझ में आएगा। तो अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर।